कौन होगा? ठीक कह रहे, लेकिन वो शब्द का ज्ञान है। शब्द ब्रह्मात्म वर्तते जो योगस्य जिज्ञासुरपि शब्द ब्रह्मात्म वर्तते। योग का जिज्ञासु शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। वेद के, शास्त्र के, उपनिषद के, संतों की वाणी के भाव को समझ करके उसका अतिक्रमण कर जाता है। सकाम भाव को, स्वर्ग को अतिक्रमण कर जाता है, निष्कामी होता है। शाब्दिक ज्ञान से कुछ नहीं होता है। अरे ये कहना नहीं चाहिए, कुछ तो होता ही है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं प्राप्त होता है, अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान की समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ नहीं है, और वह योग में परिपक्व हुआ व्यक्ति अपने हृदय में ही प्राप्त करता है। अब दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तम विद्या दुख संयोग योग संयोग नाम संगीतम। योग की परिभाषा कहते हैं कि उस योग की क्या परिभाषा, तम विद्या योगम, तम विद्या उसको जानो क्या। तम विद्या दुख संयोग है, जो दुख का संयोग है, दुख का जो प्रतिक्षण मिलन है, उसका वियोग हो जाना, उसका हट जाना, उसका नाश हो जाना, उसका लुप्त हो जाना योग है। तम विद्या दुख संयोग है, दुख के संयोग का वियोग हो जाना ही योग कहा गया है। जैसे पीड़ा आई चली गई, घबराहट आई चली गई, दर्द आया चला गया, तनाव आया चला गया, तो दुख का संयोग हुआ ना, और उस संयोग का वियोग हुआ ना, यही तो योग हुआ ना। दुख संयोग वियोगम, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम। दुख के संयोग का प्रतिक्षण जो वियोग हो जाना है, वही योग है गीता के अनुसार। स निश्चयन योग तप्यो अनिर्भिण चेत सा, कहते हैं इस योग का साधना अनिर्भिण बिना उताए के चित्त से लगातार करना चाहिए, तब वो प्रज्ञा पैदा होगी। लोग कहते हैं कि भगवान ये जनक को रकाब में पैर रखते रखते ब्रह्म ज्ञान हो गया था, वह कहते जीवन भर प्रैक्टिस करो। अरे जनक का दरबार हमेशा विद्वानों संतों से जिंदगी भर बढ़ रहा, अंत में ज्ञान हुआ था। तो ज्ञान के लिए हमेशा अभ्यास की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। जरा मन की हालत देखिए, अब मन के चार भाग है वेदांत दर्शन के अनुसार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। साधना दृष्टि से मन के चार भाग है। पहला मन कॉग्नाइज करता है, जानता है सामान्य रूप से, उसको बोलते हैं विज्ञान। दूसरा मन रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है अपने पुराने याददाश्त के अनुसार, और वैल्यूएशन करता है कि अच्छा है कि बुरा है, जिसको संज्ञा बोलते हैं बुद्धि। तीसरा मन जब बुद्धि ने कह दिया कि अच्छा है, तो तीसरा मन क्या करेगा, शरीर में होने वाला उसके शरीर के अंदर बड़ा ही आनंद, बड़ा ही रोमांच, एकदम आनंद से प्रफुल्लित हो जाएगा। वो तीसरा मन जो है उस आनंद के संवेदना को अनुभव करेगा, ये तीसरा मन है। चौथा मन संसारियों का, हम जैसे मूर्खों का, क्या करेगा, बना रहे आनंद, बना रहे, दूर में जा, यानी राग कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। और अगर बुद्धि ने कहा दिया ये तो बड़ा खराब है, कहां से आ गया, ध्यान में बैठा था, बे टाइम पर ही आ गया, इस समय इसको आना चाहिए, इसको पता है कि 10 दिन का शिविर चल रहा है, और ऐसे भी आ गया, बड़ा मूर्ख आदमी है,
जल्दी से दफा हो जाए। अब क्या हुआ, बुद्धि ने जो ही बुरा कहा और एलिवेशन किया, त्यों ही अंदर एक द्वेष की, एक जलन की आग संवेदना के रूप में आएगी, द्वेष करने लगा। और चौथा मन क्या करेगा, हट जाए, दफा हो जाए, दूर करने की ऐसी बात करेगा, अंदर से बाहर से मुस्कुराएगा, अब अंदर एकदम जो है कि कहां से आ गया चला जाए। दो तरह का मन होता है। तो क्या हुआ, वो द्वेष करता है। तो हर क्षण संसारी आदमी का ये चारों मन, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गवार हो, देसी हो, विदेशी हो, औरत हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सबका ये चार मन होता है जो 24 आवर्स जागता है। आप लोग सोचते हो कि मन सो जाता, कभी नहीं सोता है। ये अचेतन मन, अंतर मन कभी नहीं सोता, ऊपर वाला मन सोता है। उदाहरण के लिए समझिए जरा, जब आप सो जाते हैं गहरी निद्रा में, कोई मच्छर आके काट लिया, ऊपर वाला तो मन सोया हुआ है, लेकिन अंतर मन जागता है, उसको अच्छा नहीं लगा, विदेश किया, उसको हटाना चाहा और तुरंत हाथ अपने आप चला गया, हटा दिया मच्छर। और देखिए, आप कहते हैं कि मैं आज ठीक 4 बजे जगूंगा, अलार्म लगा दिया घड़ी में चेतन मन से, और जब सुबह अलार्म बजा, अचेतन मन आके वहां खड़ा हो गया, अचेतन मन का कोई आदमी वहां खड़ा हो गया, अब हाथ उठाया और अलार्म बंद कर दिया, सो गया आराम से। और जब सुबह उठे तो फिर पछताने लगे, अरे मैं ही तो अलार्म लगाया था, मैं ही बंद कर दिया, कैसा मेरा मन है, कुछ समझ में नहीं आता। तो अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, अंतर मन, वहां राग द्वेष का, अज्ञान का, तृष्णा का जो जड़ है जमा हुआ है, उसको उखाड़ने के लिए साधना करते हैं। ये संसारी का मन हो गया, साधक का मन, और ये 1 सेकंड में घट जाता है, ये चारों 1 सेकंड में घट जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा संसारी आदमी का, बाद में तुरंत गुस्सा भी कर देगा और तुरंत माफी भी मांगने लगेगा, 1 सेकंड में हो जाता है। और साधक का मन क्या होता है, साधक का मन होता है कि सामान्य रूप से जानेगा, कॉग्नाइज करेगा, फिर रिकॉग्नाइज करेगा, वैल्यूएशन करेगा, अच्छा है तो अच्छी संवेदना होगी अंदर, प्रसन्नता से भर जाएगा। तो एक तीसरा मन संवेदना अनुभव करेगा, लेकिन जो चौथा मन है वहां वो राग नहीं करेगा, वो कहेगा अनित्य है। अरे परदेशियों से कैसे आप लोग बोलते हैं, आंखें मिलाना, ये परदेशी हैं, अनित्य है, ये बुद्धि हो जाएगी कि भाई जो अनित्य है, जो बदल रहा है, उसके साथ हम क्यों अपना संबंध जोड़ें, हम तो नित्य के साथ जोड़ेंगे, हमें तो परमानेंट सुख चाहिए, परमानेंट शांति चाहिए, तो अनित्य है, सुख आया अनित्य है, प्रसन्नता आई अनित्य है, कोई मिलन हुआ प्रसन्नता होगी, संवेदना होगी, लेकिन वहां बुद्धि काम करेगी, यार भाई कितने देर का अनित्य है। ये चौथा मन हुआ। और जब कोई बुरा आया, जैसे यहां से साधना करके जाएंगे तो घर वाले कहेंगे साधना करने गए थे, क्या सुधार हुआ, संवेदना होगी, अरे इतनी इनको समझ नहीं, हमको डांट रहे हैं। अब वही सजग होने की जरूरत है चौथा मन कि बुरा मानने की जगह, अरे भाई ये जो कार्य अनित्य है, थोड़ी देर में बदल जाएगा, अनित्य है, अनित्य है, तब साधना, तब प्रज्ञा होगी, उसी को गीता की भाषा में प्रज्ञा कहा गया है, भगवान बुद्ध की शब्दावली में विपश्यना कहा गया है, संत कबीर साहब की शब्दावली में साक्षी साक्ष साधना कही गई है, साधना कही गई है। ये चार मन हैं, चार संसारी के मन, और वही चारों मन जो अंतिम जो रिएक्शन करता है, राग द्वेष करता है, उसी चौथे मन में हम विद्या पैदा करेंगे, अनित्य है, अनात्म है, दुखात्म है, तो जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। और वही चौथे मन में दुखी हो गए, सुखी हो गए, राग करने लगे, द्वेष करने लगे, तो संसारी हो गए, चाहे जिंदगी भर साधना करो, चाहे 1000 बार गेरुआ कपड़ा पहन लो, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं, ये तो अंदर की चीज है, जिसके अंदर प्रज्ञा हो जाएगी, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो साधु हो, वो सुखी रहेगा, और जिसके अंदर ये प्रज्ञा नहीं पैदा होगी, नहीं जगेगी, स्थिर नहीं होगी, वो दुखी रहेगा, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो।
टाइम तो हो गया। ये सभ्य संखारा अनिच्छाति यदा पहिया पश्यति। संखारा माने कंडीशन, आर कंडीशनड थिंग्स आर इम्परमानेंस। व्हेन वन सीज दिस विथ विजडम देन ही बिकम्स डिस्पैशनेट टुवार्ड्स द पेनफुल। दिस इज द पाथ ऑफ प्योरिटी। सभी संस्कार, यानी संस्कार में वही संस्कार संवेदना के रूप में आ रहे हैं, सभी संस्कार संवेदना के रूप में आ रहे हैं, तो जितने संवेदना हैं वो अनित्य हैं। आया उत्पन्न हुआ, आया उत्पन्न हुआ, थोड़ा थोड़ा जागृति हुई, उत्पन्न हुआ, तो वही ज्ञान में देखना होगा क्या कि अनित्य है, यही ज्ञान में देखना होगा। तो इस प्रकार से सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं और यही शुद्ध होने का तरीका है, प्यूरिफाई होने का तरीका है। सभ्य संखारा अनिच्छति। और दूसरा पॉइंट क्या है? सभ्य संखारा दुख आर कंडीशन थिंग्स आर सफरिंग। व्हेन वन सीज दिस बाय डिस्टेंस देन ही बिकम्स डिस्पैशनेट towards the painful, this is the path of purity। सभी संस्कार जो अनित्य है वो दुखात्म है, दुख तो बाद में रहा, तो या वो तो नहीं कर रहे लेकिन अंदर महसूस हो रहा कि कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है, लेकिन वही है ये समझेंगे कि पीड़ा तो है लेकिन अनित्य है, अनित्य। महात्मा जी कह रहे हैं अनित्य है, चलो महात्मा जी का कहना मानते हैं, तो अगर थोड़ा भी असर होता है तो वो कम बेसी तो हो ही रहा है, तो वो कम बेसी जो हो रहा है उससे अनुभव रहा कि आप अनित्य है, दुख है लेकिन अनित्य है, दुख तो ही है लेकिन साक्षी भाव से जान रहे हैं। तो सभ्य संस्कार दुखात्म, सभी संस्कार संवेदनाएं दुखात्म है जब वो ज्ञान के द्वारा जानता, ज्ञान का कि ये दुख है और दुखात्म का। तो आज हम लोगों ने प्रज्ञा के क्षेत्र में कदम रखा और हम चाहते हैं कि जो अवशेष दिन है 4-5 दिन अगर ठीक से काम करेंगे जैसा कहा जाए वैसा, तो चाहे पढ़ हो चाहे अनपढ़ अवश्य ही प्रज्ञा की जागृति तो हो ही जाए, स्थिर भरे रहो। लेकिन प्रज्ञा की जागृति तो हर साधक के अंदर अवश्य हो जाएगी और स्थिर करने के लिए आपको रोजाना उसका अपने घर में अभ्यास करना होगा, और कभी ऐसे कहीं साल में ऐसे शिविर लगे तो उसमें रिफ्रेशर के लिए आना होगा, तो फिर बुद्धि स्थिर भी हो जाएगी, स्थिर प्रज्ञा भी हो जाएगी। तो मैं यही कामना करता हूं और पूर्ण आशा रखता हूं कि आप लोग जैसे डिडिकेशन मिलेगा उसी तरह से काम करेंगे और इन 4-5 दिनों के अंदर वो प्रज्ञा का दीपक अवश्य जल जाएगा। शर्त ये है कि बोलना बंद कर दें, बड़ी भारी बीमारी है। एक बारी रखो कि 4 दिन जो परिश्रम किए हो, 3 दिन आज जो प्रज्ञा मिली है उसको हम गंवाएंगे नहीं, उसको जगाएंगे, खाली परिचय होकर के नहीं रह जाए, वो प्रज्ञा जग जाए। इसके लिए बिल्कुल आप 4 कदम देखें, न बोले, हमसे बोल सकते हैं, कोई समस्या है हमसे बोले, हम उसका निदान करेंगे, लेकिन जो ही ऊपर जाएंगे बड़बड़ बड़बड़ करने लगेंगे सारे। अरे भाई राक्षस क्यों बनते हो? देवता लोग जब ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे तो राक्षस बाधा पहुंचाते थे, आप लोग आए हो प्रज्ञा की साधना सीख रहे हैं, विपश्यना की ट्रेनिंग ले रहे हैं और यहाँ पाप हो जाएगा, तो पाप करने आए हो कि पुण्य करने आए हो? आप अपनी साधना तो खत्म करेंगे ही, जिसे बात करेंगे उसकी भी साधना खत्म करेंगे, तो पाप के भागी होंगे ना,
इस बात को दिमाग में रखना कि हमको पापी नहीं बनना है, हमको